आज हम बनाएंगे मार्केट में मिलने वाली पिज़्ज़ा बेस से बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा, जिसे हम बहुत ही झटपट से बनाएंगे। और इसके लिए हमें ओवन की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में हम बनाएंगे और बहुत आसानी से बनकर ये तैयार हो जाएगी, और वही क्रस्ट आएगा पिज़्ज़े में और वही टेस्ट होगा जो हमें डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट में मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये पिज़्ज़ा पुल हो रही है, और चीज़ पुलिंग इतनी अच्छी है कि बिल्कुल आप आसानी से घर पर इसे बना सकते हैं। और इस पिज़्ज़े की रेसिपी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो या मायोनीज़ ना हो, चीज़ ना हो, तो क्या करें, तो कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, इस पिज़्ज़ा को बनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होती रहूँ नई नई वीडियो लेकर आने के लिए। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि इजी से इजी रेसिपी आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप आसानी से इसे रिक्रिएट घर पर कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहले इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर रेडी टू यूज़ जो मार्केट में मिलती है ना पिज़्ज़ा बेस, वो ली है। मैंने यहाँ पे मॉरिस की ली है, आपको जो आसानी से आपके मार्केट में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और ये देखिए, यही वो गलती है जहाँ पे लोग गलती करते हैं पिज़्ज़ा को बनाने में, मैं वो आगे बताती हूँ। पहले देख लेते हैं सामान क्या क्या है। इसके ऊपर के टॉपिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पर पनीर, जिसे लंबे लंबे स्लाइसिस में कट किया है। शिमला मिर्च लिया है, इसे भी पतले पतले स्लाइसिस में कट किया है। मेरे पास जलपाइनोज थी तो मैंने वो ले लिए हैं, आपके पास हो तो ले, नहीं तो छोड़ सकते हैं। साथ ही मैंने बेबी कॉर्न को भी इसी तरीके से स्लाइसेस में कट किया है। कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं और प्याज के बल्ब निकाल लिए हैं, जिस तरह से हम चिलीज के लिए निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। इसके साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पर चीज़, मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ लिए हैं, जिसे हम पिज़्ज़ा चीज़ भी कहते हैं। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है और ये कटी हुई है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो वो आती है ना लादी वाली, आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही लिया मैंने पिज़्ज़ा सॉस, मायोनीज, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप सिर्फ पिज़्ज़ा सीजनिंग से भी इसे बना सकते हैं। अब हमें देखना है कि किस तरीके से लोग गलती करते हैं इस रेडी टू यूज़ जो पिज़्ज़ा बेस होती है ना, इसे बनाने में भी। ऐसे तो ये लगभग सभी लोगों को बहुत आसानी से बनाने आता है और हर घर में ये बनता ज़रूर है, क्योंकि आजकल बच्चे हो या बड़े, सबको ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आते हैं। इसे करना क्या है कि जो उल्टा साइड है उस साइड नहीं लगाना है, जिस साइड से हमें थोड़ी सी फूली हुई नज़र आती है, जो थोड़ी सी पफ रहती है, उस साइड में हमें लगाना है। अब इस तरीके से ऊपर से मैंने यहाँ लगा लिया है एक चम्मच भर कर मायोनीज। अगर आपके पास मायोनीज ना हो तो क्या करें, अगर मायोनीज नहीं है तो हम जो पास्ता बनाते हैं, और पास्ता बनाने के लिए वाइट सॉस बनाते हैं, यानी कि वाइट सॉस वाली जो पास्ता बनाते हैं, उसमें जो हम वाइट सॉस बनाते हैं बटर और मैदे से, वही सेम वाइट सॉस बनाकर यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है मायोनीज के जगह पर। अब बची पिज़्ज़ा सॉस की बात, तो पिज़्ज़ा सॉस कहाँ से लाएँ हम। पिज़्ज़ा सॉस अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में केचप हमेशा अवेलेबल होता है, आप सिर्फ केचप से भी बना सकते हैं। और अगर केचप के साथ में थोड़ी सी, यानी कि अगर दो चम्मच केचप है और उसमें एक चम्मच हम सेजवान चटनी मिला दें, तो वो भी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो क्या करें। तो अब दोनों चीज़ कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर की टॉपिंग कर लेते हैं। टॉपिंग में आपके पास जो भी हो आप उसे टॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत सारी वेजीज चाहिए या बहुत कुछ स्पेशल पनीर या कुछ स्पेशल चीज़ ही चाहिए। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे आसानी से इसे बना सकते हैं। आप इसे सिर्फ और सिर्फ प्याज से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत खाने में मज़ेदार होती है। जितने भी पिज़्ज़ा लवर हैं उन सबको पता है कि पिज़्ज़ा कैसे भी हो बस ज़बरदस्ती लगती है। मेरे पास यहाँ पे जो भी सब्जी अवेलेबल थी मैंने वो सारी यूज़ की है। मुझे पिज़्ज़ा के ऊपर बहुत सारे टॉपिंग बहुत पसंद है, और इसी बहाने घर के सारे लोग सब्जियाँ भी खा लेते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ पे यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, पनीर, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, प्याज,
सब यूज़ किया है। और साथ ही मेरे पास जलपाइनोज थे तो मैंने वो भी यूज़ किए हैं। आपके पास हो तो ज़रूर यूज़ करें, ना हो तो जितना हो उतना से ही बनाएं, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब सारे टॉपिंग को करने के बाद हम इस पर डाल देंगे चीज़। मैंने इसमें बहुत अच्छी तरीके से भर भर कर चीज़ डाला है। आपको अगर पसंद हो चीज़ डालना तो डालें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हमने जो पास्ता का बेस बनाया था उससे भी ये बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो क्या करें, मोज़रेला चीज़ के जगह पे आप जो वो स्लाइस चीज़ आती है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से बनाएं, कोई टेंशन करने वाली चीज़ नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है तो नहीं बन सकता। जो भी अवेलेबल हो आप उससे बनाएं। अब इसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं हम टॉपिंग के। अब मैंने यहाँ पर डाल लिया है थोड़ी सी ओरिगेनो, अब डाल लेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। बच्चों के लिए बनाएं तो चिली फ्लेक्स आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि हमें चिली फ्लेक्स डालनी ही है। अब बिल्कुल थोड़ी सी हम यहाँ पर डाल लेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स घर में कैसे बनाएं, तो बहुत आसान है। घर में जो हमारी लाल मिर्च होती है ना, बस उसे कूट लें और कूट कर तैयार हो जाएगी हमारी चिली फ्लेक्स। तो अब ये बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार है, पर इसे हम बेक करेंगे कढ़ाई में। जी हाँ दोस्तों, कढ़ाई में बेक करेंगे, ओवन में हमें बेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कढ़ाई में भी बहुत अच्छी बेक हो जाएगी और बिल्कुल वही क्रस्ट आएगा जो कि ओवन में आता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे का क्रस्ट कैसा है। तो चलिए इसे हम कढ़ाई में बनाते हैं। इसे बेक करने के लिए मैंने पहले से ही एक कढ़ाई को प्रीहीट करके रखा था। मेरे पास एक जो पुरानी कढ़ाई है मैंने उसमें इसे बेक किया है आज, क्योंकि इसे बहुत हीट करना पड़ता है। तो थोड़ी पुरानी कढ़ाई है तो मतलब इसमें आसानी से ये हीट हो भी जाएगी और इसमें बहुत आसानी से ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे इसमें या कोई भी नॉर्मल कढ़ाई या तवे पर बना सकते हैं। अब मैं आपको फ्लेम दिखला दूँ। मैंने क्या किया है कि नीचे एक प्लेट रखी है और उसके ऊपर एक प्लेट डालकर उसके ऊपर मैंने ये पिज़्ज़ा रख दिया है। अब फ्लेम इसका कैसा रखना है, तो स्टार्टिंग में हमें फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है और करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखेंगे और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ऐसा टोटल 15 से 20 मिनट के आसपास हमें करना है। आप ढक्कन खोलकर चेक कर सकते हैं, जब ऊपर का चीज़ जो है ना पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तो मतलब ये है कि हमारा पिज़्ज़ा जो है बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी गर्म होती है ये कढ़ाई तो इसे ध्यान से निकालें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कढ़ाई बहुत हीट होती है। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है, अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखलाती हूँ। सावधानी से निकालेंगे हाथों को संभालते हुए। ये देखें, थोड़ी थोड़ी चीज़ और कॉर्न वगैरह जो है वो नीचे कढ़ाई में गिर गई है, पर कोई नहीं, बनकर हमारी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी तैयार हुई है। मैं आपको इसे दिखलाती हूँ, पहले हम इसे काट लेते हैं। तो जितने बड़े या जितने छोटे पीसेस आपको करने हैं आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मली बस 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस साइड से भी मैंने एक बार कट कर लिया और एक बार इस साइड से कट कर लिया है। पिज़्ज़ा का क्रस्ट इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है कि हमें ओवन की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको दिखलाती हूँ बिल्कुल नज़दीक से। ये देखिए, सारी टॉपिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं और जैसा मार्केट में मिलता है ना बिल्कुल वैसा ही। और क्रस्ट देखेंगे तो ये देखिए, पिज़्ज़ा नीचे से भी कितनी अच्छी पककर तैयार हुई है और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और मैं आपको चीज़ पुल करके दिखलाती हूँ। एक लग रही है ना बिल्कुल मार्केट से लाई हुई, डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट से जैसे हम लेकर आते हैं ना बिल्कुल वैसे ही, पूरी तरीके से टॉपिंग से लोडेड है और क्रस्ट भी ज़बरदस्त है। और पिज़्ज़ा पे आप चीज़ की जो स्ट्रेचिंग होती है वो भी देख सकते हैं। तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा इसे घर पर, और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो क्या करें और अगर मेयोनीज़ ना हो तो क्या करें। तो सारी प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो चुकी है। आसानी से घर पर बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है हमें मार्केट में पैसे बहुत सारे खर्च करने की। घर पर ही इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि बिल्कुल आप मार्केट जाना तो सोचेंगे ही नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनी हुई पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
दोस्तों मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए घर पर पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाएं उसकी भी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।